बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है इसके साथ कनेक्टेड। आई वॉज थिंकिंग कि कोई शायद किसी न किसी बात में बोल दे उनको। सबने सुने होंगे, एक है रेजिलियंस। रेजिलियंस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टर्म, तो इसके बारे में हम अगर पॉसिबल हुआ तो बहुत डिटेल में भी कभी देखेंगे। ये बिग फाइल खुल सकती है। इसमें था ना कि रेजिलियंट पीपल से कि आई कैन चेंज एंड दे आर लाइक दे बाउंस बैक फ्रॉम द सेटबैक्स एंड नॉन रेजिलियंट रहेंगे तो दे आर मिस रेजिलियंस मींस ऑप्टिमिस्टिक एंड नॉन रेजिलियंस मींस नहीं यार अभी मैं नहीं कुछ कर सकता आई कैन नॉट चेंज दैट काइंड। रीहैब का पार्ट है रेजिलियंस ट्रेनिंग कराना, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे मतलब एक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी आ जाता है, चाहे जो क्रिमिनल्स हैं, चाहे ड्रग एडिक्ट्स हो, कोई भी ऐसे हो, या किसी मेंटल बीमारी से ऐसे निकल कर बाहर आए हैं, या इन जनरल भी लाइफ में कोई ना कोई सेटबैक ऐसा तो आ ही सकता है ना। जैसे आज गुरुप्रीत जी से बात हो रही थी, कोई ऐसी बहुत बड़ी परमानेंट डिसेबिलिटी किसी को हो जाए तो रेजिलियंस ट्रेनिंग की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी। इसी के साथ कनेक्टेड एक और टर्म है, किसी को याद आ रहा है कौन सा? एंटी फ्रेजिलिटी जो हमने की गाय में हाँ, पढ़ा ये भी बहुत अच्छा टर्म है, ये बहुत अच्छा टर्म था एक्चुअली। हाँ, इसको याद आ रहा है आपको क्या था एक्चुअली? है, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। कौन कौन की गाय वाले हैं यहाँ पे? ओके, लेट अस टेस्ट। एंटी फ्रेजिलिटी बहुत ही प्यारा टर्म है। तो पहले आप दूसरा टर्म बताइए ना। बाउंस बैक। तो कितनी भी बात लाइफ में सेटबैक आ जाता है, कुछ भी हो जाता है, वी मस्ट बाउंस बैक। लेकिन बाउंस बैक और एंटी फ्रेजिलिटी में डिफरेंस है थोड़ा सा, वो क्या है? एंटी फ्रेजिलिटी इज कि हम अपने आप को फ्रजाइल उसमें लाए नहीं, मतलब हम कभी उस स्टेट में नहीं पहुंचे, लेकिन बाउंस बैक इज एंड सिमिलरली विद रेजिलियंस आल्सो दैट वंस दैट इंसिडेंस हैज अकर्ड देन हाउ एम आई रिस्पोंडिंग टू इट एंड हाउ एम आई बाउंसिंग बैक टू द लाइफ। इट्स नॉट दैट आई एम नॉट हैव नॉट गॉन थ्रू दैट फेज बट दैट फेज हैज कम आई हैव एक्सेप्टेड एंड देन आई हैव अगेन बाउंस बैक इन टू माई लाइफ। बट एंटी फ्रेजिलिटी इज दैट वी आर ऑलरेडी कॉशियस अबाउट इट and we are not allowing ourselves to break down to that level ki hame us bounce back ki zarurat pade, matlab we maintain our position. Okay, kisi ko kuch aur isme yaad aa raha hai, kuch addition? Acha, aap mein kaun economically? Ji ha, फिर आप याद आ रही, जैसे हमने डिस्कस किया था कि वी शेप रिकवरी, मतलब इकोनॉमी का डाउनफॉल हुआ और फिर जल्दी से रिकवर हो गया, तो बाउंस बैक में हमारी रिकवरी की शेप भी होती। ओके, ये भी इंटरकनेक्शन ठीक है। बाउंस बैक ने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग्स के ऊपर, तो उसने जो डॉग्स थे उनको इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया था, तो जो फर्स्ट डॉग था उसे भागने वाला रिस्पांस दिया था, तो जब उसे सेकंड केज में डाला गया तो वो अपना एफर्ट करता ही रह रहा था, तो वो उसका बाउंस बैक हो के आ रहा था एफर्ट्स। ओके, मे बी इन सम कॉन्टेक्स्ट इट मे बी ट्रू। एंटी फ्रेजिलिटी किसी को फिर भी और अच्छे से याद आ रहा है तो? वो डिनोमिनेटर हमारा बढ़ जाए और हम उसको एब्जॉर्ब कर पाए शॉक को बेटर। ओके, इसमें शायद ये था, एज फार एज आई नो, मे बी आई एम नॉट करेक्ट, 1% चांस इज दैट एंटी फ्रेजिलिटी में क्या होता है कि बाउंस बैक में, और इसमें डिफरेंस ये है कि बाउंस बैक में पॉसिबल है कि पहले हम जो थे उस सेटबैक के आने से पहले हम उसी फोर्स में वापस आ रहे हैं, ये हो गया बाउंस बैक। बट एंटी फ्रेजिलिटी में क्या होता है कि वी आर नॉट जस्ट बाउंसिंग बैक, बल्कि वी आर इवन मोर स्ट्रांग, वी आर स्ट्रांगर, बल्कि स्ट्रांगर से भी कुछ ज़्यादा टर्म उसमें दिए हुए हैं। हम बिल्कुल एक नए तरीके से आते हैं।
तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। कोई इसका एग्जांपल किसी के माइंड में आ रहा है? मेरे एक्सीडेंट के पहले मैं बिल्कुल भी हेल्थ पे ध्यान नहीं देती थी और जरा भी एक्सरसाइज नहीं करती थी और ना डाइट के ऊपर ध्यान, हेल्थ ठीक नहीं थी। और उसके बाद में जब मैंने, डॉक्टर ने बोला कि आप तो चल ही नहीं सकोगे, आपको तो व्हीलचेयर पे लाइफ निकालनी है, और उसके बाद मैंने इतने मैराथन की और अब तक मैं खेल रही हूँ इन स्पाइट ऑफ ऑल द पेन्स एंड ऑल दैट आई फील दिस डिफिसिटी। हाँ एग्जैक्टली, दिस कैन बी एन एग्जाम्पल ऑफ एंटी फ्रेजिलिटी। तो ये एटीट्यूड लाइफ में होना चाहिए कि सेटबैक आए तो क्या हुआ, वो तो उसके बाद हम जो और निखर कर आएंगे वो तो कुछ और ही बात होगी। तो प्रॉब्लम्स आए तो आए, कोई बात नहीं।